मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षक योजना 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में उचित देखभाल सुनिश्चित करना है। इसमें प्री प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्त करने की नीति को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग उनकी भर्ती के लिए RNP नियम तैयार करेगा और जब तक नियम तैयार नहीं होते तब तक विभाग आउटसोर्सिंग द्वारा शिक्षकों को नियुक्त करेगा। इन शिक्षकों को 9,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट ने खाद्य तेल पर सब्सिडी को पहले से 2 गुना करने को मंजूरी दी है। इसमें सभी कार्डधारकों को सब्सिडी प्रति लीटर 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये और खाद्य सुरक्षा श्रेणी के कार्ड धारक को 10 रुपये बढ़ाकर 20 रुपये करने की मंजूरी दी है। सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक 7 महीने के लिए ये मंजूरी दी गई है। राज्य भर में 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण झोपड़ियों के उचित रखरखाव और खानपान के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुक और 563 पैरा हेल्पर को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसकी कुल लागत लगभग 2,000 करोड़ है। इसे मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवा को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर 2022 को 11 साल की सेवाकाल पूरा किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग राजस्व विभाग में भी विभिन्न नियुक्तियां और सुविधाएं देने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया है, उसमें प्री प्राइमरी को बहुत महत्व दिया गया है। आज मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत RNP रूल्स जो है वो बनाए जाएंगे प्री प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। और जब तक ये RNP रूल्स बन नहीं जाते, फाइनलाइज नहीं हो जाते, तब तक शिक्षा विभाग जो है वो HPSCDC इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, जो आउटसोर्सिंग का भी काम करता है, उसके थ्रू आउटसोर्स बेसिस पर इन प्री प्राइमरी टीचर्स ट्यूटर्स जो है वो इनकी नियुक्ति करेगा। और ऐसे सभी अध्यापक या ट्यूटर जो नाम इसका रखा जाएगा, उन्हें 9,000 रुपये प्रतिमाह जो है वो मानदेय दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आज एक निर्णय लेते हुए जो हमारा एडिबल ऑयल है, खाने का तेल जो है, इसमें जो है वो सब्सिडी दुगनी कर दी है। पहले जहां 5 रुपए दी जाती थी, अब वो 10 रुपए कर दी है। ये NFSA के अंतर्गत जो तेल जिनको दिया जाता है, उनके लिए 10 रुपए से बढ़ाकर के 20 रुपए कर दी है। 5 से 10 सबके लिए है, 10 से 20 NFSA के अंतर्गत जिनको दिया जाता है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो आते हैं, उन्हें 20 रुपए की सब्सिडी कर दी गई है। ये 7 महीने के लिए है,
दिसंबर 2022 से मार्च तक के लिए मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग, इन तीनों विभागों के अपने सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या आपकी इंस्पेक्शन हट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के स्थान स्थान पर हैं। मंत्रिमंडल ने जो है निर्णय लिया है कि जिसमें वन विभाग में आज मुख्य रूप से जो है वो निर्णय लिया गया और उसमें 499 पैरा कुक्स लगाए जाएंगे और 563 पैरा हेल्पर्स लगाए जाएंगे, जो 499 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस और इंस्पेक्शन हट्स को जो है वो पूरे प्रदेश में जो है उसकी मेंटेनेंस और वहां काम जो है वो करेंगे। आज मंत्रिमंडल ने जो विश्व बैंक पोषित योजना है, हिमाचल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए है, जो टाइमली मॉनिटरिंग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा और वेरिफिकेशन करेगा, जितने भी पीएमयूज हैं डायरेक्टरेट एनर्जी में, उसका जो स्ट्रक्चर, फर्निशिंग, फंक्शनिंग इत्यादि है, उसको अप्रूवल जो है वो स्वीकृति मंत्रिमंडल ने प्रदान की है।